अस्सलाम वालेकुम जनरल गेट्स का हालक दिस इज योर बॉय टीबी व्लॉग्स एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द नॉर्दर्न एरियाज ट्रैवल सीरीज। खैर टुडे जैसे आपको बताया मैंने लास्ट व्लॉग में वी आर इन भाटाकुंडी एंड दिस इज द रूम इज हिल टॉप रिजॉर्ट। खैर सीन है कि दिस इज़ अ रिमोट एरिया तो यहाँ पे सिग्नल्स नहीं आते एंड वाईफाई भी इट्स अ पेड सर्विस जो कि आपको लेनी पड़ती है एंड आई विल टेल यू गाइस मोर अबाउट इट लेटर बट फिलहाल तो यू हैव टू चेक आउट दिस व्यू। This view. क्या हमारे साथ ये भी है यहाँ पे प्लान ये है कि वी आर गोइंग टू बाबूसर टॉप राइट नाउ और रास्ते में एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। सो उम्मीद करते हैं इट विल बी अ गुड एडवेंचर। वी हैव रीच्ड बाबूसर टॉप और यहाँ पे एक्सट्रीम किस्म की बारिश हो रही है और ठंडी भी एक्सट्रीम किस्म की है। तो ड्राइवर ने बोला कि एक्स्ट्रा कपड़े पहन लें तो मैंने एक लेयर उसके ऊपर दूसरी लेयर तीसरी लेयर चौथी लेयर कपड़े पहन लिए एंड नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग दिस एरिया। चले 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 बहुत सर्दी है मामा बहुत सर्दी है बहुत सर्दी है पीछे बाबूसर टॉप। खैर फोटो वोटो खिंचवाने यहाँ पे मेरी कॉफी की तरह भाई मेरी कॉफी वहाँ पे बाबूसर टॉप का जो मॉन्यूमेंट है वो वहाँ पे बट हम तो सौ रुपए आए फ्री वाई फाई के चक्कर में तो कह रहे कि फ्री वाई फाई है और देखिए खास तो बहुत ज़्यादा खुली है बट चेक आउट द व्यू। तो चाइनीज़ निगर वी आर अप एट बाबूसर टॉप। जो मेन मॉन्यूमेंट आपने देखा वो नीचे था ये उसके बाद हम 5 मिनट की ट्रैक करके ऊपर आए जो कि कच्चा रास्ता है बट ओवर हियर दे हैव दिस स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरेस्ट फैसिलिटेशन पता नहीं क्या लिखा है वहाँ पर मुझे नहीं पता। सेंटर बाबूसर टॉप यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ ये कि दे हैव फ्री वाईफाई और अंदर जाके फ्राइज और ऊपर से हीटर और चाय और सारी चीज़ें अवेलेबल है विच इज़ वन हैक ऑफ एन अमेजिंग थिंग जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी हमारे लिए और मैंने अभी यहाँ पे आके अपनी सारी इंस्टेंस की स्टोरी और सारी चीज़ अपलोड किए जो पिछले कल से मैंने नहीं की। खैर तो अगर आप बाबूसर टॉप पर आ रहे हैं तो मेक श्योर यू डू अ 5 मिनट ट्रैक एंड कम अप हियर एंड एंजॉय योर टाइम। यहाँ देख सकते हो आपने ये लोग ने पानी के लिए भी यहाँ पे लिखा रखा हुआ है पानी सूखा आके इस बाल्टी में जमा होता है एंड ओवर हियर ये है बाबूसर से आगे जाने का रास्ता जो कि गिलगित और आगे खुंजरा पास की तरफ जाता है। इट्स अ लॉन्ग हेड बट लाइक इतना खूबसूरत मौसम उसके बाद एक तो हवा
क्योंकि इतनी प्योर और इतनी साफ़ सुथरी है कराची में। ऑब्वियस बात है कराची इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, इतने लोग, इतनी गाड़ियाँ, सब कुछ। सो कराची में द थिंग विच वी मिस द मोस्ट इज दिस क्लीन फ्रेश एयर, जो कि यहाँ पे बना। ये आप नीचे बाबू सा टॉप देख सकते हैं, वहाँ पे है, थोड़ा सा ट्रैक करके आपको ऊपर आना है एंड देन यू कम ओवर हियर, बेस्ट जगह, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये जो आप हमारा हाथ जो देख रहे हैं, ये जो हाथ जो है हमारा, वो एक लिटरली बर्फ का टुकड़ा बन चुका है, किसी भी जगह जो लगा तो ये टूट जाएगा। टू मच कीचड़। बिटवीन बाबूसर टॉप एंड बाटाकंडी, ठंडी हवा और गर्म धूप जो कॉम्बिनेशन है, और इसके साथ ये व्यू, तो भाई यार फुल परफेक्ट कॉम्बो। से पहले यहाँ पे बहुत लोगों के ब्लॉग्स देखे थे और इट वॉज लुकिंग अमेजिंग, दिस लेक वॉज लुकिंग अमेजिंग, बट जब खुद आके यहाँ पे देखा तो इट लुक्स मोर अमेजिंग देन दैट। और ये वो सारे लोग हैं जिनकी वजह से ये ट्रिप अच्छी से बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन गई, एंड आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर दैट। खैर मूविंग ऑन, छः और लुलुसार के बाद वी हैव कम हेयर टू मून रेस्टोरेंट बेसार। मून रेस्टोरेंट की एडवर्टाइजमेंट आप इस्लामाबाद से शुरू होती है, रास्ते में हर थोड़े टाइम बाद आपको एक बोर्ड नजर आएगा जिसके ऊपर लिखा होगा मून रेस्टोरेंट, और एक ब्रांच इसकी नारान में है, दूसरी ब्रांच ये है बेसार वाली, एंड वी हैव कम हेयर टू ईट, डिनर यहाँ पर करेंगे क्योंकि अभी सिर्फ 6 बज रहे हैं, सही है, और डिनर का टाइम अभी हमारा हुआ नहीं है क्योंकि हम कराची वाले, ऑब्वियस बात है हम तो लेट डिनर करते हैं। खैर तो वी थॉट कि व्हाई नॉट गो एंड एक्सप्लोर दिस एरिया माउंटेन, क्योंकि हमें चाहिए फोटोज के अंदर ग्रीन घास आ रही हो और पीछे नजर आए पहाड़, तो खैर लेट्स गो एंड ट्राई टू गेट दैट फोटो। आ गया है रेस्टोरेंट एंड यहाँ गो एंड ईट, यस अब बुक लेंगे। कैसे? रियली नाइस, यस। कन्नौर नूडल्स लग रहे हैं। अच्छा मैं कह रहा हूँ आज बहुत ज़्यादा ठंडी है ना, बिल्कुल तुम्हारी बातों की तरह। जोकर जोक मार रहे हैं। चलो भाई डिनर विनर हो गया, बहुत सर्दी लग रही है, कोस्ट में बैठते हैं और सीधा पहुंचते हैं रिसॉर्ट, टू मच कोल्ड। तो 9:30 बज रहे हैं एंड वी हैव अराइव्ड एट आवर रिसॉर्ट। अब सीन ये है कि रिलैक्स करना है आज का पूरे दिन में, रिलैक्स करना था मगर आज थोड़ा सा पहाड़ी में हो गया, बट खैर अब कल पूरे दिन रिलैक्स करना है और रूम में जाते हैं रूम में।
डेटा सारा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, सही है। एंड आज के दिन में हमें यहाँ पे जो भी चीज़ें घूमनी थी, दो चीज़ें थी, बाबूसर टॉप और एक लुसार लेक, वो दोनों चीज़ें हमने देख ली। एंड इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। जो रात को हमने डिनर किया मून रेस्टोरेंट पे, इट वाज अमेजिंग, सही है। के साथ लेट्स एंड दिस व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम PB व्लॉग्स। And with that, I will see you guys tomorrow with another special vlog. So make sure to like and subscribe. Allah Hafiz. एक ही दुख है इस जगह पे आके, वो है ये चीज़। Just look at this.